इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। छतरपुर जिले के बमीठा थाना अंतर्गत किशोरगंज गांव में डीजे गाना बजाने को लेकर जमकर घमासान और मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए तो वहीं थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। डीजे पर दहशत का मामला बमीठा का है, जहां किशोरगंज गांव में 13 जून को चौक समारोह किशोरगंज निवासी पवन कुमार अहिरवार के यहां चल रहा था, जिसमें डीजे पर लोग जमकर झूम रहे थे। तभी डीजे पर कुछ आपत्तिजनक गाने बज रहे थे। पवन कुमार के घर के सामने प्यारी बाई अहिरवार, जो कि दरवाजे पर खड़ी होकर डीजे पर नाच रहे लोगों का डांस देख रही थी, जिस पर प्यारी बाई के छोटे लड़के ने आपत्तिजनक गाने को बंद करने को कहा। तभी राजू अहिरवार उनके साथियों ने प्यारी बाई और उनके परिजनों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। यह देखकर और अन्य लोग जो चौक समारोह में थे, उन्होंने भी प्यारी बाई और उनके घर वालों के साथ घर से बाहर निकालकर मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने भी दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। क्या नाम है? रामेश्वर है। कहां के निवासी हो? किशोरगंज। क्या हुआ जो थाने में रिपोर्ट करने आए? थाने में रिपोर्ट करने आए थे साहब, हमारे घर के पास ही हमारे बगल में रहने वाले जो रिश्ते में चाचा लगते हैं, उनके यहाँ साहब चौक था, तो उन्होंने डीजे बुलवाया था। डीजे साहब उन्होंने हमारे द्वारे पे बजवाया और डीजे में सब अश्लील भाषाओं के शब्द बोले जा रहे थे, इसलिए हमने गाना के लिए बंद किया। इसी बात में मेरे छोटे भाई से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू करने के बाद साहब डीजे वाला भाग गया, हम भाई अंदर आ गए। उसके थोड़ी देर बाद ही साहब वो अपने पूरे चारों भाइयों को लेकर रिश्तेदारों समेत आए, तो उन्होंने हमारी मारपिटाई शुरू कर दी। मारपिटाई शुरू करने के बाद हमने बात बचाव किया तो हमारी कोई बात नहीं सुनी, कि ना ही किसी मोहल्ले वाले ने बचाया, और हमारे मारपीट डंडे लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। इसमें सर हमारे जो रिश्ते में भाई लगते हैं उन्होंने ये अपराध किया है, और इनमें साहब राजू, भागीरथ, सुरेश, पवन, इन चारों भाइयों ने मिलकर। कितने लोग घायल हैं? घायल साहब 7 लोग। कौन कौन? जिसमें सर मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी बहन, यही सब 5 लोग घायल हैं।